में हर वर्ग को सम्मान मिले, जनजातीय नागरिकों को उनका अधिकार मिले और वे आत्मनिर्भर बने, इसी सोच के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार के सेवा समर्पण के 3 साल पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने चौथे कार्यकाल में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने कई योजनाएं बनाई और उसका लाभ जनता तक पहुंचाया। ऐसा ही एक फैसला है पैसा एक्ट। 15 नवंबर 2022 का वो ऐतिहासिक दिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन के अधिकार देने के लिए पैसा एक्ट लागू किया। शिवराज सिंह चौहान हमेशा संस्कृतियों के संवर्धन के लिए प्रयास करते हैं और जल जंगल ही हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है। ये पैसा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। और कैसे, इसकी चर्चा मैं बहुत संक्षेप में करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल, ये पटवारी को या जो हमारा बीट गार्ड होता है फॉरेस्ट का, उसको गांव में लाके दिखानी पड़ेगी ग्राम सभा को, ताकि जमीनों में कोई हेर फेर ना हो और तुम्हारे पास तुम्हारा नक्शा भी रहे और कौन कौन के नाम जमीन है वो भी पता रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजातीय बहुल विकास खंड में पैसा एक्ट लागू किया गया। पैसा एक्ट ऐसे जनजातीय भाई बहन को विकास से जोड़ेगा जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। पैसा एक्ट में प्रावधान है कि शासन की योजनाओं के किसी भी प्रोजेक्ट में ग्राम सभा की अनुमति जरूर होगी। किसी भी जनजातीय नागरिक की जमीन छल कपट और बल से नहीं हड़प सकेगा। पैसा एक्ट के लाभ, ग्राम सभा करेगी सिंचाई तालाबों का प्रबंधन, वनोपज पर होगा ग्राम सभा का अधिकार, ग्राम विकास का फैसला भी ग्राम सभा करेगी, ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खुलेगी नई शराब दुकान, ग्राम सभा सुलझाएगी छोटे झगड़े, ग्राम सभा कर सकेगी स्कूल आंगनवाड़ी का निरीक्षण, जनजातीय परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि प्रदेश का हर वर्ग विकास की दौड़ में आगे रहे, इसलिए वे जनता के हित में हमेशा क्रांतिकारी निर्णय लेते हैं। पैसा लाई है शिवराज सरकार, 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 पैसा लाई है शिवराज सरकार। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम शिवराज ने अपने तीसरे कार्यकाल में भैया बनकर प्रदेश की बहनों के लिए लाडली बहना योजना लागू की। तो आइए जानते हैं नरसिंहपुर जिले में योजना लागू होने के बाद क्या सोचती हैं प्रदेश की लाडली बहना। हर बहन महिला को 1,000 रुपए मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए, और भी मिलेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर आपको मिले क्या करो? जो करते हैं हम सिलाई इलाज, जो सिलाई लाई करते हैं ना, तो उसमें और अच्छा काम कर लेंगे, थोड़ा बढ़ा लेंगे। अच्छा। जी मुख्यमंत्री को का संदेश दे बचा? बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए बहुत सुविधाएं मिल रही, सब भाइयों को, सभी को, किसानों को, सिटी वालों को, सबके लिए बहुत सुविधाएं दे रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। फॉर्म डाल दो जीजी। हाँ डाल दो भाई। हाँ कैसे लग रहा है 1,000 रुपया मिला? अच्छा लग रहा है, बच्चों को हमारे खर्च पानी चल है, राशन पानी ले खुबियाँ पे भी, गरीबों कहाँ से आ रहे हैं पैसा, जी मिल है तो हमारे आराम से खर्च चल है अच्छे से, अच्छा लगो उनको। शिवराज भैया को धन्यवाद हमारी तरफ से। 1,000 रुपया मिलने वाले हैं, फॉर्म डाल दो। हाँ डाल दो है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, उसमें राशन पानी आ जाएगा,
और धंधा पानी तो थोड़ा मुत का चल ही जाता 100-200 रुपए का। जब आपको पता चला कि ऐसी कुछ योजना आने वाली है कि आप महिलाओं को 1000 रुपए मिलने वाले, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा फील करे थे हमने कि चलो महिलाओं को लाने कुछ तो निकाले। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं जिन्हें इतना सोचे महिलाओं के लाने। और भी बहनें हमारे साथ मौजूद है, बहनों से हम बातचीत कर लेते हैं। फॉर्म जमा कर दिया आपने? नहीं, बस अभी आई हूँ, बस फॉर्म करना है। तो किस तरह से फॉर्म जमा हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, आप पूरा थोड़ा बताइए। सारा सिंपल तरीके से दिया है कि आपको आकर यहाँ पे KYC करनी है और अपना खाता खुलवा मतलब आधार लिंक करवाना है, और फिर जो लाडली बहना योजना है उसका फायदा दे रहे हैं। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं अधिकारी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि महिलाएं यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पहुँच रही हैं, उनकी किस तरह से सहायता की जा रही है। महिलाएं आती हैं यहाँ पर, इनका DBT होता है, EKYC होता है, और इन लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि इनके EKYC आधार से लिंक होकर इनकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट बैंक पहुँचती है, और इनको यहाँ सर अंगूठा लगा के साइन वगैरह मैच करके सारा कुछ यहीं पर प्रोवाइड किया जा रहा है। जी, उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं, मुश्किल से 5 मिनट एक महिला को लगता है, सभी कुछ जानकारी सही रहती, नहीं होती तो गाइडेंस देकर उनको यहीं सर आते हैं, उनको बताते हैं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। तो देखिए जो बहनें हैं ना, ये धन्यवाद कहते हुए थक नहीं रही हैं, और असल में ये जो धन्यवाद शब्द है ना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जो बहनें हैं वो दिल से अपने शिवराज भैया को आशीर्वाद दे रही हैं। कैमरामैन नागेंद्र के साथ मैं प्रीता उपाध्याय, दीक्षित, बंसल न्यूज़, बलहरा।